सम्मानित मंच और मेरे सभी बुजुर्गगण, युवा साथीगण और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्तागण, जिन पर लोगों ने खूब जोर आजमाइश करी, वहां से फोन करे कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, और आपको पता है कोई कुछ नहीं कर सकता। ये स्वतंत्र देश है जहां डेमोक्रेसी चलती है, किसी का ऑटोक्रेसी नहीं चलती कि फोन से धमकाओ तो कोई वोट दे देगा, कोई नहीं देगा। प्यार से समझ के आप किसी से हाथ जोड़ के वोट ले सकते हो, धमकाने से वोट नहीं ले सकते। जो धमकाने वाले थे उनको आपने दूसरी बार चुनाव में पराजय करके अपने घर में बैठा दिया। अब आतिशबाजी करो या कुछ करो, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं। जनता सब जानती है। और ये जितने कांग्रेस के कार्यकर्तागण बैठे हैं, मैं दोनों विधायकों को बताना चाह रहा हूं, एक एक रोहित बोरा है, इसमें से कोई एक रोहित बोरा नहीं है, सब एक एक रोहित बोरा है। आप सबको पता है कि आपके बीच में रहने से आपने पिछली बारी से ज्यादा जीत हमारे को दी, पिछली बारी से भी ज्यादा जीत आपने मेरे को दी। ये आपका प्यार था और आपने जो सम्मान मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया किस शब्दों में करूं मुझे समझ में नहीं। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जमकर डेवलपमेंट के काम हमने आपके बीच में करे। आप सबको पता है कोई काम में आपने कमी नहीं रहने दी, कोई गांव में किसी ने कुछ बोला मैंने वही काम करके दिया आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारी सरकार थी हमने वही काम करे। अब बीजेपी की सरकार है, हमें देखना है हमारी कौन कौन सी स्कीमें इस बजट सेशन के बाद बंद कर दी जाएंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालत खराब हो जाएगी आने वाले समय में। मैं आपको कहता था कि जिस दिन से ये बीजेपी सरकार आएगी, जो 25 लाख की चिरंजीवी योजना थी, आजकल हमारे यहां जो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक बहू हमारे बाबरपुर की थी, गली एसडीएम को कह के हमने कह दिया कि 5 लाख रुपए चिरंजीवी योजना से उनको दिलाए जाए, आज उनका फॉर्म भर के और तुरंत 15 दिन के अंदर उनको 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दे दिए जाए। आज सुबह मैंने कलेक्टर साहब से कल शाम को बात करी वापस, मैंने कहा जो हमारे 4 या 5 लोग राजस्थान के घायल हुए हैं उनसे मैं आपसे डिमांड करता हूं कि 20-25 हजार रुपए उनके दिए जाए, उनके इलाज के लिए भले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा हो बट उनके घर वालों का आने जाने में जो खर्चा हो रहा है, जो दवाइयों पे खर्चा हो रहा है, जो अस्पताल में दवाइयां नहीं है वो दवाइयों पे खर्चा के लिए भी 25 हजार रुपए हमने कल रात को ही डिमांड कर दिए कलेक्टर साहब से कि उन सबको 25-25 हजार रुपए दिए जाए। चाहे अपोजिशन में बैठे चाहे सरकार में बैठे, आपके लिए दिन रात आपकी सेवा में मशगूल रहेंगे, ये आपके वादा करके जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव आपने लड़ा है, ये मैंने चुनाव नहीं लड़ा, ये कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। मैंने कई जगह ऐसे देखा कि हाथ में बूढ़ी माता जी को हाथ में ले लेके एक एक वोट डलवाया लोगों ने, जो हम नहीं कर सकते हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए करा। तो उसके लिए जो मेरी मन में विचार थे कि ऐसा चुनाव, ऐसा लग रहा था जैसे हम सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आपको बताया मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, तमाम लोगों के काम करे थे, ये भी नहीं सोचा था इसने मुझे वोट दिया तो इसका काम नहीं करो, बट भगवान सीख देता है ना तो अपने आप सीख दे देता है, तो इस बार मेरे को सीख दे दी भगवान ने, जो अपना है वो अपना ही रहेगा, जो अपना है वो नहीं रहेगा।
तो भगवान सिखाता कब है, जब ठोकर खाता है आदमी तभी सीखता है। कोई दूसरा बोलता है तो समझ में नहीं आती, ठोकर खा के अपने आप समझ में आया। तो आज का सम्मान जो आपने करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो स्कीमें हैं, मैं तो यही विनती करता हूं इस सरकार से, जो गरीबों की स्कीमें हैं वो हमारी गरीबों की स्कीमें चलती रहे, जिससे हमारे गरीब परिवारों में बचत होती रहे। और वो बचत होगी तो मैंने हर चुनावी सभा में आपको कहा है कि हमारी बचत होगी 40-50 हजार रुपए की। उससे क्या करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, किसी को इंजीनियर, किसी को आर्किटेक्ट, किसी को वकील, किसी को डॉक्टर, जो हम बना सकते हैं अपनी ताकत से वो हमारे को बच्चों को पढ़ाना है। और पढ़ा के एक सभ्य नागरिक, जिससे कि ये देश आगे बढ़ सके, राजा खेड़ा धौलपुर आगे बढ़ सके, वो हमें करना। वो बचत का काम किसने करा, अशोक गहलोत की सरकार ने करा। एक ही चीज कहता हूं इस सरकार से कि चिरंजीवी को बंद मत कर देना, नहीं तो हमारे गरीब आदमी के खेत खलिहान बैंकों में और सूद खोरों के यहां हमें गिरवी रखने पड़ेंगे इलाज के लिए। कि कोई भी घर वाला यदि बीमार हो जाता है, बिना इलाज के कोई उसका घर वाला रह नहीं सकता। कुछ भी करो, इस चिरंजीवी योजना को चलते रहना, जिससे चिरंजीवी राजस्थान होता